Hello student, welcome to my biology study channel. This video based on emasculation and begging technique. Okay students, तो इस video पूरा NCERT based है और ये video मैंने diagram based work कर दिया ताकि आपको actual में समझ में आए कि emasculation और begging process में होता क्या है. स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपका नीट में क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. सबसे पहले हम इमस्कुलेशन बीइंग को समझने से पहले कुछ और समझना पड़ेगा, ठीक है. तो इसको हम देखते हैं. देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये क्या होता है. ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है. एक मेजर अप्रोच होती है जिससे हम क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करते हैं, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना चाहिए. किससे? अनवांटेड पोलन से, ताकि हम स्टिग्मा पर डिजायर्ड पोलन जो है वो डाल सकें. ओके, जिससे हमें जो भी डिजायर्ड हाइब्रिड है वो गेन कर सके. ओके स्टूडेंट्स, अब ये होगा कैसे, ये जो अप्रोच है, ठीक है, ये हम किसके थ्रू कर पाते हैं, ये हम इमस्कुलेशन एंड बेइंग टेक्निक के थ्रू करते हैं. ओके, सबसे पहले ये रहा बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है. हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर की यहाँ पर बंडल ले रखी है. ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने पूरा डायग्राम बेस्ड बनाया बट आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के वजह से बनाया है. ओके, तो ये है पिस्टिल और ये रहे एंथर. अब ये जो एंथर होते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर की बड है, तो इससे हमें रिमूव क्या करना पड़ेगा, इससे हम एंथर को रिमूव करेंगे. यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी, मतलब वन पेयर फोर्सेप्स का यूज करना जरूरी है, उसके थ्रू हम एंथर को रिमूव कर देंगे. बट कब रिमूव करेंगे, एंथर के डिसेंस होने से पहले ही हम एंथर को रिमूव करेंगे. ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथर को कब रिमूव करते हैं. ओके, तो ये जो एंथर को रिमूव करने के प्रोसेस है वो होती है इमस्कुलेशन. ओके, यहाँ पर देखिए एंथर गायब है, यहाँ से एंथर रिमूव, तो ये जो प्रोसेस हुई है एंथर को रिमूव करने की वो होती है इमस्कुलेशन. देन उसके बाद अब ये जो स्टिग्मा है इसको हम प्रिवेंट करेंगे किससे, अनवांटेड पॉलन से. कैसे, इसको हम कवर कर देंगे किससे, वाटर पेपर से. ये रहा वाटर पेपर, ठीक है, वाटर पेपर ये है, ये प्रिवेंट करता है स्टिग्मा को अनवांटेड पॉलन से. ओके, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम स्टिग्मा को कवर कर रहे हैं एक वाटर पेपर से, ये प्रोसेस कहलाती है बैगिंग. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब हम स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी के लिए छोड़ देंगे. जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी तब हम जो डिजायर्ड पोलन होंगे, ठीक है, उसको इस वाटर पेपर को हटा के उस पर डिजायर्ड पोलन डाल देंगे. देन फिर उसको वाटर पेपर से कवर कर देंगे जैसा कि मैंने कवर किया है. ओके, अब कवर करने के बाद इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे फ्रूट आने के लिए, ठीक है, जो भी इसे फ्रूट आने. स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. स्टूडेंट्स अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर की बड है तो हमें इतनी यहाँ तक जाना पड़ेगा, बट अगर यूनिसेक्सुअल है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं वेगिंग प्रोसेस से. ऑनली इसको कवर कर दीजिए स्टिग्मा को अनवांटेड पोलन से और वो सारी प्रोसेस वैसे ही होगी, ठीक है. तो पूछते हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल. आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो ये समझ में आ रही होगी. स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.